सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और खुली बिक्री पर लगी रोक के बाद भी महिलाओं पर तेजाबी हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के सुरेंद्र नगर में रात 9 बजे दुकान से घर जा रही युवती पर कुछ मनचलों ने तेजाब फेंक दिया। हमले में बुरी तरह से झुलसी इस युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप, मोहल्ले में मनचलों और अराजक तत्वों का हर दिन जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो घर पे ही थी जी, बच्ची के साथ में, पीछे से किसी ने इसी गली मोहल्ले की और कहीं का, मैंने मुझे प्यास से क्या किया तेजाब डाला किसी ने, क्या कहीं थी ये आ रही थी घर पे। पीड़ित लड़की के पिता आगरा में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ अलीगढ़ में रहती हैं। पीड़िता सेंटर पॉइंट इलाके में एक साड़ी की दुकान में काम करती है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। जो ये बता रहे हैं कि शाम को ये छावड़ा क्लॉथ स्टोर पे सेंटर पॉइंट के पास काम करती थी, शाम को रोजाना की तरह आज अपने घर आ रही थी, शाम को किसी ने इनके ऊपर तेजाब डाला, ये नहीं पता चल पा रहा कि किसने डाला, और ये रोजाना इसी रास्ते जाती थी, शाम के टाइम उसके लिए जा रही थी। तो अभी ये घटना की जानकारी मिली है, हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि मतलब वहाँ से जहाँ काम करती है या जहाँ ये लड़की रहती है इसके आसपास किस पे संभावना जो ये इस तरह का कृत्य कर सकते हैं, उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर जो भी जिन लोगों ने भी ये घटना की होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ में पिछले 15 दिनों में तेजाब फेंकने की ये दूसरी घटना है। लगातार वारदातों से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाले इन मनचलों को पकड़ना फिलहाल पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रकाश सिंह, APN, अलीगढ़।